बॉस एक बार शिनचैन उससे अलग हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो शिनचैन के लिए कुछ भी कर देगा मुझे पता है। सर 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 टारगेट लॉक्ड है, टारगेट लॉक्ड है। अरे किंगडम मुझे नहीं पता यार, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मुझे अपने पुराने घर, पुराने मम्मी पापा, पुराने दोस्त सब की याद आ रही है यार, मैं ये लोशन तो छोड़कर जाऊंगा। बे भाई साहब वैसे कैसी बातें कर रहा है आज। बे शिनचैन देख ले यार, क्या तू ये लोशन तो ये दुनिया हम सबको सबको छोड़कर जाना चाहता है। वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का भाई साहब मौसम देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर लॉस सैंटोस का गाइस यहाँ पर क्या मौसम है, आज का दिन क्या निकला है। और मैं शिनचैन और जो भाई साहब आए हैं यहाँ पर, कहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर गाइस हम सभी लोग वाटर स्लाइड करने आए हैं। और भाई साहब क्या हाल चाल है तुम दोनों का? भाई साहब कल आधा घंटा हो गया हम खड़े हैं, भाई साहब करवाने करवाने घर ले जा। अबे भाई इतना गुस्सा क्यों होता है, कर रहे हैं ना जल्दी करो यार, मेरा कच्छा भी नहीं लेकर आए। अबे वो मैं भूल गया था, गाड़ी में पड़ा है नीचे ही। बाबा सब इतना नीचे अब बता कौन जाएगा। अबे हाँ यार वैसे बहुत ही ज्यादा नीचे है गाइस, देख सकते हो हम सब लोग कितना ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। मतलब गाइस ये जो टावर है ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा टावर बन चुका है गाइस, अभी तो देख सकते हो गाइस कितना नीचे शहर है और हम कितना ज्यादा ऊपर खड़े हैं। और भाई साहब मतलब बहुत ही बड़ा टावर है ये। अबे छोड़ो ना कच्चा का क्या करना भाई, चलो ना वाटर स्लाइड करते हैं। पहले आप तो करो। अबे भाई साहब मैं तो कर रहा हूँ गाइस। अबे भाई साहब सीधा मुंडी टूटी। अबे मेरी टोपी संभाल कर। अरे टोपी डालकर कौन करता है। वेल तो गाइस देख सकते हो हाँ थोड़ा सा बढ़िया नहीं हो पाया, मैं गिर चुका हूँ। अबे यार गाइस ये क्या हो रहा है भाई साहब, अबे तेरी भाई हड्डी बड्डी टूट जाएगी गाइस। अरे 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 बाबा साहब कल जा बे, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू सिवाय टट्टी के ना कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे दिखाता हूँ भाई साहब। ये देख भाग कर जाऊंगा फिसल जाऊंगा भाई साहब, फिसल फिसल बे चौप फिसल बे, तुझे फिसलना है बाबा साहब कुत्ते बे फिसल जा। अबे भाई जो वो वाटर स्लाइड है भाई साहब, कोई मैराथन कट रहा है कि नहीं है जो तू भाग रहा है? बाबा साहब मैं फिसल ही रहा। अबे भाई कुत्तों के पंजे बहुत तगड़े होते हैं भाई साहब, तू नहीं फिसलेगा। बाबा साहब मैं भी मजा लेना चाहता हूँ बे। अबे नहीं ले पाएगा। बाबा साहब फिसल बे। अरे चुप, तू तो बिल्कुल एंड में पहुंच गया। बाबा साहब मजे आ गए भाई साहब, बिल्कुल मजे आ रहे हैं आज तो। मेरी जिंदगी। अरे ठेकी मैं चौप तो गया, मैं भी जा रहा हूँ। अबे हाँ अबे तू जा। अरे ठेकी मैं मुझे देखो। अबे यार गाइस शिनचैन तो बहुत ही मस्त तरीके से जा रहा है। अरे ठेकी मैं देखना क्या ही जंप लगाऊंगा। हाँ देख ली बेहतरी जंप। अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ऐसे जंप लगा दूंगा। अरे चुप मैं भी आ गया। बात साहब क्या हाल चाल है? अरे चुप तुझे क्या, तेरी सांस नहीं फूल रही? बात साहब हम कुत्तों का ना एक सिस्टम होता है, हमने सिस्टम बिठा कर रखा हुआ है, हमें सांस उस की प्रॉब्लम नहीं आती। अरे क्या ही पानी है, क्या ही पानी है, मजे आ रहे हैं आज तो। अरे ठीक है आप भी आ जाओ। अरे यार गए सभी जा रहे हैं भाई साहब, मैं भी जाऊंगा अब देखना ये। अरे यार गए मैं जा क्यों नहीं पा रहा, मुझे लगता है मुझे कपड़े खोलने पड़ेंगे भाई साहब। अबे अबे ठीक है ठीक है ऐसी ऐसी। बात साहब कल तेरे से कुछ नहीं होगा बे। अबे छोड़ ना भाई साहब, मैं भी तुम दोनों के पास आता हूँ। एक दो तीन चार और ये लगाई मैंने जंप भाई साहब। आह क्या पानी है भाई साहब। अरे तेरी आजा बोल से खेले। अबे हाँ आजा बोल से खेलते हैं भाई साहब। बोल कहाँ पड़ी है मुझे ये बताओ। हाँ तो साइंटिस्ट पूरा का पूरा तुझे मैंने एक हफ्ता दिया था, क्या तूने वो काम कर दिया? डॉन तुझे पता तो है मैंने भी कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं, जो तू कहता है वो काम तो मैं कर ही देता हूँ। ओह मुझे ये बात सुनकर बहुत बढ़िया लगा साइंटिस्ट। तो क्या इस डब्बे के अंदर वही डिवाइस है जो मैंने तेरे से मंगवाया था? हाँ डॉन इसमें वही वाला डिवाइस है, बस थोड़ा सा ध्यान से यूज करना इसको। साइंटिस्ट तुझे तो मेरा पता ही है, मैं जो भी डिवाइस लेकर जाता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई खतरनाक कहानी होती है, या फिर मैंने कुछ खतरनाक ही करना होता है। इस बार मैं जो करने वाला हूँ वो तो मैं तुमको बता ही दूंगा, बस मुझे इस डिवाइस की जरूरत थी जो कि तूने मेरा काम पूरा कर दिया साइंटिस्ट। डॉन कोई बात नहीं, मुझे तो मेरी पेमेंट कर दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। साथियों कर दो इसको पेमेंट। जी सर। ये ले साइंटिस्ट तेरी पेमेंट तुझको हो चुकी है और हमने अपना डिवाइस ले लिया है। और हाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए मैं तेरे पास आया था या फिर तूने मुझे देखा था, नहीं तो तुझको पता ही है ना। हाँ हाँ सब पता है डॉन, जा सकता है तू। थैंक यू साइंटिस्ट इस डिवाइस के लिए, आ जाओ साथियों। सर आपको क्या लगता है क्या जो डिवाइस आपने मंगवाया है वो सच में काम का है? अरे साथियों तुमको पता ही है मैं कोई भी चीज बिना काम की तो मंगवाता नहीं, मुझे अच्छे तरीके से पता है ये वाला डिवाइस बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करेगा फ्रैंकलिन को अपने रास्ते से हटवाने के लिए। बॉस एक बार शिनचैन उससे अलग हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो शिनचैन के लिए कुछ भी कर देगा मुझे पता है। चलो ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से मेरे साथ अब अपने मिशन को अंजाम देते हैं।
भी आज तो मजा ही बहुत आया यार, हर हफ्ते ही ले जाया करो। अबे हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ यार हर हफ्ते आया करेंगे भाई साहब, आज तो मजा ही बहुत आ गया। भाई साहब कल अगले हफ्ते कहीं और चलेंगे भाई साहब, घूमने शिमला विमला। अबे हाँ हाँ कोई बात नहीं, घूमने भी चलेंगे। अरे यार गाइस, आज इतने दिनों के बाद बाहर घूम कर ना मजा ही आ गया हम दोनों को तो। आज तो सच में ही मजा आ गया। अरे वैसे आपका पिछवाड़ा गीला है। अबे पिछवाड़ा देखता भी मेरा? मेरी हाइट ही बहुत छोटी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका पिछवाड़ा ही दिखता है। भाई साहब इसका मतलब तूने तो कभी कलवे की शक्ल भी नहीं देखी होगी। अरे हाँ यार, मुझे पिछवाड़े से ही फ्रैंकली भैया की पहचान है। अबे कितने गंदे हो भाई साहब तुम दोनों। शी भाई साहब मैच। अरे मम्मिया फ्रैंकली भैया, ये क्या हुआ? मुंह टूट गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। चलो यार गाइस, आज तो भाई साहब घूम कर मजा ही आ गया। अब घर बैठ कर खाना वाना खाते हैं मस्त वाला। सर सर सर, टारगेट लॉक्ड है, टारगेट लॉक्ड है। तो देरी किस बात की, करते हैं मिशन शुरू। सर क्या आप यही वाली गन यूज करने वाले हो? अबे यही वाली करूंगा ना, यही तो साइंटिस्ट से बनवाई है। सर वैसे गन करती क्या है? अबे वो तो तुझे कुछ सेकंड में ही पता लग जाएगा। 3, 2, 1 और खेल शुरू। वैसे आज मैं सोच रहा हूँ शिमला मिर्च बनवा लूं। अबे भाई साहब क्या हुआ सिंचन तुझे? अबे भाई साहब क्या हुआ बे? पता नहीं क्या हो रहा है। अबे भाई ये क्या हो रहा है तुझे? कुछ हो रहा है। अबे एक सेकंड भाई साहब, ये क्या तेरे ऊपर से भाई साहब ये ब्लू ब्लू कलर की लाइट्स निकल रही है? अरे यार सेक्रेटरी बचाओ। अबे रुक रुक रुक, मैं पानी लेकर आया भाई साहब। भाई साहब रुक 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 रुक। हाँ सिंचन, आप कैसा फील हो रहा है? अरे सेक्रेटरी अब ठीक लग रहा है। अबे भाई साहब क्या हुआ बे, करंट उलट लग गया था क्या? करंट नहीं यार, कुछ और ही हो रहा था। अबे पता नहीं भाई साहब, चल कोई बात नहीं, अब तो ठीक है ना? अरे हाँ यार बिल्कुल टनाटन हूँ। हाँ चल बढ़िया। अबे चोप कहाँ गया वैसे? अगर कौन चोप? अबे कुत्ता भी हमारा चोप। कल तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से शिमला मिर्च बनवा लूँ आज। मेरा नाम सिंचन है। अरे मैं तो लॉस सैंटोस। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मम्मी पापा, अरे यार। अबे भाई क्या हुआ? अरे यार फ्रैंकलिन भैया। अबे भाई क्या हो रहा है तुझे? अरे फ्रैंकलिन भैया यार मुझे घर ले जाओ। क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे घर जाना है। कहाँ जाना? अबे घर पे ही तो है हम। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे असली घर, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मुझे याद आ रही है मैं रोने लग जाऊंगा। अबे भाई एक सेकंड में तुझे क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। अबे सिंचन भाई साहब, तुझे पता नहीं कितने साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, और तुझे आज भाई साहब क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन मुझे नहीं पता यार, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मुझे अपने पुराने घर, पुराने मम्मी पापा, पुराने दोस्त सब की याद आ रही है यार, मैं ये लोग से तो छोड़ कर जाऊंगा अब। अबे भाई चुप तो कर, क्या हो गया अबे तुझे? भाई साहब वो कल वो साथ वाली आंटी आलू बांट रही है भाई साहब, आज लेकर आए। अबे भाई वो छोड़, इसको देख क्या हो गया। तो भाई साहब क्या हो गया इसको? अरे डोगी मुझे ले जा मेरे घर। भाई डोगी मैं चोप। अरे चोप यार ले जा, मुझे घर जाना है। भाई साहब कहाँ? घर पे तो है। अबे वही तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, पर कह रहा है असली वाले घर। भाई साहब तू लॉस सैंटोस में आया था, कलवे को मिला था। भाई साहब तू चिंता क्यों कर रहा है घर जाने की, तुझे तो याद नहीं आनी चाहिए उनकी। अगर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मुझे घर भेजो, मुझे घर जाना है, जाना है तो जाना है। भाई साहब कल क्या हो गया इसको? पता नहीं यार चोप, भाई साहब जिद कर रहा है घर जाने की। अरे ले जाओ यार। कलवे अबे यार क्या करूं। अबे यार सिंचन यहाँ पर सब बढ़िया तो है यार, यहीं पर रहते हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, तुम सब लोग नहीं। बे भाई साहब गए कैसी बातें कर रहा है आज? भाई साहब कल समझा बे इसको। अबे मैं बता कैसे समझाऊं? आर्यन मुझे लेकर जा रहे हो या फिर नहीं? मैं ये सारा शहर छोड़कर अपने घर बसना चाहता हूँ वापिस। अबे पर भाई चल ठीक है, अगर तू घर भी जाना चाहता है, पर भाई हमें नहीं पता तेरा घर कहाँ है, तू तो लॉस सैंटोस में पता नहीं कहाँ से आ गया था, मुझे ये भी याद नहीं है अभी। अरे यार मुझे पता है मेरा घर कहाँ है और मैं कैसे जा सकता हूँ। कैसे जा सकता है? अरे यार आज मेरी फ्लाइट आने वाली है। फ्लाइट आने वाली है भाई साहब? अरे हाँ मेरा हेलीकॉप्टर आएगा मुझे लेने, मुझे छोड़ कर आओ। अबे कहाँ आएगा तेरा हेलीकॉप्टर? अरे यार मैं आज ले जाता हूँ, मुझे स्टार बिल्डिंग पर ले चलो। स्टार बिल्डिंग? भाई साहब कल ये तो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की बात कर रहा है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग सिंचन देख ले यार, क्या तू ये लॉस सैंटोस, ये दुनिया, हम सबको छोड़कर जाना चाहता है? भाई साहब सिंचन मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा बे, हम दोनों शाम को खेला करते थे। आर्यन मैंने तुमसे क्या लेना, मेरा घर है, तुम्हारा भी घर है, जैसे तुम्हें अपना घर पसंद तो मुझे मेरा घर पसंद है। अरे यार कहीं तो अचानक से इसको क्या हो रहा है यार, हमारी दुनिया ही बदल जाएगी अगर ये चला गया। भाई साहब कल ये मौसम को क्या हो गया अचानक से? अबे पता नहीं भाई साहब, अचानक से बिजली गरजने लग गई। अबे सिंचन घर चलते हैं यार, बाद में देख लेना। अरे नहीं मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना जब। अबे यार इसको क्या हो गया? भाई साहब कल हुआ यार, ये सब कुछ भूल गया लगता है। अबे सिंचन क्या तू भूल गया यार हमारे साथ बिताए हुए पल, चोप के साथ रहना, मजे करना, हमारी किचपिच, तू इतनी बातें करता है, मजाक करता है, सबको खुश रखता है, भाई साहब आज अचानक से क्या हो रहा है तुझे?
आर्यन मुझे नहीं पता, मेरा हेलीकॉप्टर आने दो, मैं घर जाऊंगा। अबे यार गाइस, मैं बात सब कर लूं। मेरा घर जाना है मम्मी के पास, मम्मी मैं आ रहा हूँ जल्दी से आपके पास, आप मेरा ध्यान रखती थी, सब कुछ करती थी, ये तो बेकार लोग हैं यार, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं भाई साहब कल अगर शिंचन चला जाएगा तो मैं भी इस दुनिया में क्या करूँगा भाई साहब, मुझे मैं रोज रोने लग जाऊँगा भाई साहब मैं तो। अबे चुप रहने दे यार। गाइस शिंचन जो भाई साहब इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा था, मजे कर रहा था, आज गाइस उसके जाने का टाइम है यार। दुख तो बहुत लग रहा है पर यार उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी आज एक डॉन के चंगुल में आकर अपने भाई को खो रहा था, और डॉन के दिमाग में जो भी चल रहा था वो शायद अपनी सारी चालों में कामयाब हो रहा था। अब क्या शिंचन फ्रैंकलिन से दूर जा रहा है? क्या फ्रैंकलिन बच पाएगा? क्या होगा स्टोरी में? क्या डॉन कामयाब हो पाएगा ये इतने बड़े मिशन में? ये जानने के लिए इस वीडियो में 10,000 लाइक्स और भरपूर कमेंट्स की जरूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में इस स्टोरी के अगले पार्ट में।